साथ मौजूद हैं अदनान बुखारी साहब, ही इज अ डायरेक्टर एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. अदनान थैंक यू फॉर कमिंग जॉइनिंग अस. एंड देन वी हैव मावे सिद्दीकी साहब. मावे सिद्दीकी साहब, मावे सिद्दीकी मेरे साथ हैं, जानी पहचानी शख्सियत. इकना रिलीफ से इनका ताल्लुक है और कम्युनिटी में बहुत ही मुतहर्रिक भी हैं. और इसके साथ ही हमारे साथ तारिक खान साहब मौजूद हैं, जो कि एपी पैक के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, इज अ बिजनेसमैन एंड लिव्स इन लॉन्ग आइलैंड. वेलकम एवरीवन. थैंक यू. हम चाहते हैं कि हम लेट्स गेट टू स्ट्रेट व्हाट वी आर हियर फॉर. अदनान बुखारी साहब, जरा आपसे मालूम करना चाहूंगा कि सिटी जहाँ के यहाँ क्योंकि बंद पड़ा हुआ है और बाहर बहुत ही कम लोगों को इजाजत है कि आप जाके जॉब पे जाएं और एसेंशियल जो जो काम है उसमें एसेंशियल लोग जो हैं उनको सिर्फ अलाउ किया हुआ है और बाकी हम तमाम हजरात को घरों से काम कर रहे हैं, तो आप जरा मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है. एक तो वर्ल्ड वाइड इस वक्त क्या सिचुएशन है, फिर अमेरिका में नेशनल लेवल पे और खासकर न्यूयॉर्क में इस वक्त क्या सिचुएशन है. जी अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये मौका देने का. देखिए सिचुएशन जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त सिचुएशन बहुत गंभीर है वर्ल्ड वाइड, लोकली एंड इंटरनेशनल. सबसे जो इस वक्त सारी पूरी दुनिया में जो बड़ी कुवतें हैं, जो बड़े ममालिक हैं और डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी कोशिश ये है कि इसको मजीद स्प्रेड नहीं होने दिया जाए. तो क्योंकि इस वक्त जो रफ एस्टिमेट ये है कि दुनिया में 410,000 के करीब कोई केसेस जो है वो कंफर्म है और उसमें ये कि तेजी से जो है उसमें तादाद जो है बढ़ती जा रही है. और वजह यह है कि एक तो अब टेस्ट अवेलेबल है, खासतौर से अमरीका में शुरू में वो टेस्ट नहीं अवेलेबल थे, तो अब जो है टेस्ट अवेलेबल है, तो जैसे जैसे टेस्ट किए जा रहे हैं लोगों का वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं. तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि जो पॉजिटिव होता है उसको आप जो है आइसोलेट कर सकते हैं, वो सेल्फ क्वारंटीन में चले जाते हैं और उसमें ये कि मजीद स्प्रेड होने से बच जाता है. अच्छा देखिए इस वक्त हमारे पास जो नंबर है तकरीबन 410,000 जो है इंटरनेशनल और जो है जो पॉजिटिव है और 18,000 जो है वो डेथ है उनकी, और यूएस में तकरीबन 50,000 है और 600 डेथ है मेरे ख्याल में. और न्यूयॉर्क सिटी की क्या पोजीशन है तारिक भाई, आपने कुछ कहा? जी आई थिंक इन यूएस टोटल इज करंट टोल इज 700 पीपल डाई टू द कोरोना वायरस. अच्छा. एंड इट्स कंटिन्यू टू ग्रो, यू नो आई थिंक इन न्यूयॉर्क इट रियली रियली सिंस द टेस्ट हैव स्टार्टेड द नंबर्स हैव बीन कंटीन्यूअसली ग्रोइंग. जी जी. सो आई थिंक द फियर फैक्टर इज कंटिन्यू टू ग्रो. एज आई मीन इफ यू लुक आउटसाइड टुडे देयर वाज हार्डली एनी ट्रैफिक इन लॉन्ग आइलैंड. यू कैन गो वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द लॉन्ग आइलैंड इन लॉट लेस टाइम बिकॉज हार्डली एनीबॉडी इज आउट देयर. ऑल द मॉल्स आर क्लोज, ऑल द शॉपिंग सेंटर आर क्लोज एंड द ओनली प्लेसेस आर ओपन व्हिच इज लाइक एसेंशियल. CVS type of pharmacies, थोड़े से gas station, most of the restaurants बिल्कुल. और as I went for lunch, it's hardly anybody there in pizza shop. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अच्छा अदनान, let me ask you another thing. तो आपकी जो जो न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट के लिए आप काम करते हैं, वहाँ क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपको इस वक्त के जो न्यूयॉर्क जो है किस तरफ जा रहा है? अच्छा इस वक्त देखिए जो न्यूयॉर्क स्टेट की सबसे तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी. गवर्नर कोमो ने जो है बहुत रैपिडली जो है डिसीजन लिए हैं. अगर आप देखें पास्ट वन वीक के दौरान तो दैट्स रियली गुड. उसने जो है बड़े डेफिनेट मेजर्स लिए हैं उसने ताकि ये अगेन स्प्रेड कम से कम हो. जो आप कह रहे हैं जो तारे खान साहब ने अभी बात की कि ट्रैफिक नहीं है, वजह यह है, मकसद यह है कि लोगों का आपस में इंटरेक्शन कम से कम हो और ये वायरस जो है मजीद स्प्रेड होने से बचे. ट्रैफिक का हाल जो आपने कहा कि इस वक्त क्या मेजर चल, न्यूयॉर्क सिटी जो है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है. 90% जो है
स्टाफ जो है बिजनेसेस दे आर क्लोज, ओनली एसेंशियल स्टाफिंग जो है वो इस वक्त कम्यूट कर रही है. मैं क्योंकि आई वर्क डायरेक्टली विद इंसिडेंट कमांड सिस्टम, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि तमाम न्यूयॉर्क सिटी की बड़ी एजेंसीज, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सब जो है एक यूनिट बन जाते हैं और उनकी जो सीनियर लीडरशिप टीम जो है वो मिलकर काम करती है. तो हम जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि किन एरियाज में हमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है. अगर हमें स्टाफिंग की कमी है तो हम वो शेयर करते हैं. तो ओवरऑल जो है ये एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज सिस्टम हो जाता है ऐसे डिजास्टर की सूरत में. इससे पहले हमने सैंडी में अच्छा अदनान में आपको यहाँ एक चीज के लिए जरा मेरा सवाल होगा कि आपने भी कुछ अर्सा पहले कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही तो आपने कहा था कि कुछ जो सप्लाईज हैं हॉस्पिटल्स के अंदर वो इतनी कम हैं कि वो आप सारे इदारे जो हैं उसके ऊपर कोऑर्डिनेट कुछ कर रहे हैं कि किस जगह ज्यादा जरूरत, हॉस्पिटल में इन चीजों की ज्यादा जरूरत है तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. जी शहीद साहब, वो इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटल्स में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फार्मेसीज हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि N95 जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ रेकमेंड करता है, CDC रेकमेंड करता है, जो फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं जो कि डायरेक्टली COVID-19 पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उनके लिए रेकमेंड होता है कि N95 रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज किया जाए. तो उनकी कितनी मकदार हमारे पास अवेलेबल है और कितनी और चाहिए. देखिए अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कि आई थिंक फीमा ने जो है 20 मिलियन के करीब जो है वो उनको प्रोक्योर किया है, दे आर सप्लाइंग टू लोकल हॉस्पिटल्स इन अमेरिका. तो फिर भी शॉर्टेज है और आने वाले वक्तों में ये शॉर्टेज रहेगी. तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जो, क्योंकि वजह ये कि चाइना से ये सारा सामान आता था, वहां से कोई सामान नहीं आ रहा, दुनिया के दूसरे ममालिक में उनकी अपनी जरूरत है, तो ये जो अमेरिका इसको ऑर्डर कर रहा है और ये कब तक यहाँ पहुंचेंगे और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो सर्ज है वो इतनी बड़ी है, इसको क्या हम पूरा कर पाएंगे. ये कहना तो मुश्किल है. बिल्कुल डेफिनेटली जो इस वक्त सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जैसा कि नजर आता है आने वाले वक्तों में जो है इसकी डिमांड रहेगी और ये मजीद जो है किल्लत रहेगी इसकी. तो क्योंकि सप्लाई चेन ब्रोक हो चुकी है, चाइना से जो है वो सामान इतनी फ्रिक्वेंटली जैसे आता था वो नहीं आ रहा है, बैकलॉग है, तो डेफिनेटली इसका असर तो पड़ेगा. ठीक है, तो ठीक है, तो भले कि ये इस वक्त भले इन चीजों की जरूरत है, जो भी हजरात जो हमारी कम्युनिटी में वो हजरात जो ये इस किस्म की सप्लाई चेन में काम करते हैं उनको चाहिए कि वो वक्त पे वो जो 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 आइटम की जरूरत है उसमें जरूर उसमें वो करें और ताकि इसको इस सप्लाई लाइन में अगर वो कुछ हेल्प कर सकते हैं वो करें. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज को मैसेज देना चाहूंगा कि जो आम अफराद जो कि हेल्दी हैं उनको इस चीज की जरूरत नहीं है. वो अगर N95 रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो वो एक जाया करें, वो एक जो मास्क है वो किसी डॉक्टर के काम आ सकता है. तो हमारा ये जो टैबू है जो लोग समझ रहे हैं कि वो ये लगा के जो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट होता है, ये इज नॉट अ एयरबॉर्न वायरस. ठीक है, थैंक यू. अच्छा माविद सिद्दीकी साहब, आपसे पूछूंगा क्योंकि इकना अमेरिका में बहुत मुतहरक एक जमात है जिसके अंदर वो आप लोग फ्लाई काम करते हैं, लोग आपकी भरपूर साथ भी देते हैं, तो इस वक्त क्या सूरत है खासकर न्यूयॉर्क के एरिया में, कौन किन चीजों पे काम हो रहा है. बहुत शुक्रिया आपका. बुनियादी तौर पर इस वक्त सबसे ज्यादा जो अहम चीज हुई थी कि लॉकडाउन के बाद जो लोगों को ग्रोसरी वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ लोगों की राइट अवे जो डेली वेजेस पे लोग हैं उनकी राइट अवे ड्रॉप छूटी है. और मेरे पास आप यकीन करें कि ऐसे सफेद पोशे लोगों के भी कॉल आई है कि मैं हैरान रह गया. उसके नतीजे में अब ये हुआ कि हमने पहले तौर पे एक तो यहाँ शुरू किया था अवेयरनेस का, आगे वेबिनार्स के लिए, उसके साथ साथ हम फूड की डिलीवरी का काम बहुत तेज कर दिया है और बहुत ज्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है और जो हमसे अब शायद मतलब काबू में भी नहीं आ रही है. हमारे पास रोजाना मतलब हर इलाके में स्क्वीज में है 30-40 है. इसी तरीके से ब्रॉन्क्स में हमारे वॉलंटियर शबीर गुल और दीगर लोग कर रहे हैं साथ में काम, उनके वहाँ अच्छी खासी हमने डिलीवरीज किए, घरों पे जाके डिलीवरीज कर रहे हैं. पहले ये भी हुआ था शुरू में कि हर आदमी ने घर पे मंगवानी शुरू की थी, फिर हमने इसका क्राइटेरिया रखा है कि मजदूर और बुजुर्ग अफराद को हम हटा देते हैं और जो जिनके घर में बच्चे उनसे कहते हैं आप आके ले जाए. तो इस लिहाज से मैं अभी सुनने वालों को भी अपील करूंगा अगर किसी को जरूरत है तो फोन नंबर भी है, लेकिन अगर आप खुद आ सकते हैं तो हमें कॉल कर लें, हम आइटम्स पूछ लें, अगर नहीं चाहिए तो आप ना आए,
और लेकिन ये काम सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं हो रहा बल्कि वाशिंगटन में हो रहा है, ये काम अटलांटा में हो रहा है, जहां जहां ये प्रॉब्लम है हमारे तमाम अमरीका में जहां हम कर सकते हैं जितनी दिशात है उससे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें जो खदशा ये है कि इससे आगे जो अभी मजीद हालात खराब होने हैं उसके लिए हम सबको तैयार रहना होगा। इस वक्त जो हमारा एक रिलीफ का जो काम था हमने फौरन जैसे ये मामला शुरू हुआ तो हमने कह दिया कि एक तो हमारे अवेयरनेस के लिए सेमिनार वेबिनार वीडियो जारी की गई, उसके साथ जो प्रैक्टिकल काम ये था कि सबसे पहले जो अटैक होना था वो फैमिलीज थी कि जिनको जिन बाद शहरों को बंद कर दिया गया, बाद जगह जो है वो खौफ से लोग निकल नहीं रहे थे, तो हमने ये कहा कि हमने जो हमारा एक फूड का सिलसिला था जो मुस्तकिल चलता रहता है 12 महीने उसको हमने बहुत तेज कर दिया है और इसमें काफी इजाफा भी कर दिया है। तो उसके नतीजे में ये है कि हमारी फूड पेंट्रीज की जो हमने टाइमिंग है वो आगे बढ़ा दी है और ज्यादा से ज्यादा टाइमिंग के प्लेस डिलीवरी घरों पे डिलीवरी का सिलसिला शुरू किया है। अच्छा मावे साहब मैं आपको यहाँ रोकूंगा एक मिनट के लिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जैसे लोगों को आपकी सर्विसेज का कैसे पता चलता है, आप उनको किसी आपके लिस्टिंग है आपके पास जिनको आप रीच आउट करते हैं और फिर ये एक मुसलसल एक तसलसल है उसका, राइट? एक तसलसल है, हाँ बिल्कुल एक तसलसल है, लेकिन नए लोगों का बड़ा इजाफा हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ हुआ ये है कि आपको हैरानी होगी जो बहुत सी तंजीमें हैं उन्होंने हमारा फोन नंबर ही देना शुरू कर दिया है, यानी लोग उनको कॉल करते हैं हमारा नंबर देते हैं। अच्छा मेरा अगला सवाल इसी मेरा अगला सवाल भी यही था आपसे कि क्योंकि ये ज्यादातर प्रोग्राम पाकिस्तानी अमेरिकन देख रहे हैं, दूसरे भी देख रहे होंगे लाजम, लेकिन ये क्योंकि हमारी उर्दू जबान में है तो मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो खासकर ये ट्राई स्टेट एरिया में या न्यूयॉर्क के एरिया में है, जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करती हैं, अपने एक एरियाज है उनका, कोई जैसे ये APPAC वाले हैं, ये अमेरिकन पब्लिक अफेयर कमेटी जो है ये एक पॉलिटिक्स में है लोगों को उसके लिए मेन स्ट्रीम अमेरिका में लाने के लिए काम करती है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वो इकना को हेल्प करती है ताकि इकना वो ये फ्लाई काम करे, इज दैट राइट? जी हाँ, और दूसरे ये कि इस वक्त इसके अलावा भी लोग हट के आए हैं, कुछ नए मतलब हमारे नौजवानों में भी जैसे APPAC वालों ने कुछ किया है, राशिद जो है उन्होंने अली रशीद तंजीमें कर रही है, कुछ तंजीमें कर रही है इसी तरीके से हमारे यहाँ, लेकिन ये इकना पे लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं या समझ लें कि यहाँ से बहुत ज्यादा मतलब ये इतनी वेरी प्रेंग बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है और यानी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, इवन बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन भी वो हमारे ही नंबर दे रही हैं। ठीक है, ठीक है, इसके नतीजे में आप कॉल बढ़ गई है और हम जो है, लेकिन हम ये काम सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं कर रहे, पूरे अमरीका में एक सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया मावेद भाई, बहुत शुक्रिया। वो जो हजरात इस वक्त देख रहे हैं बेसिकली क्योंकि इकना का एक बाकायदा सेटअप बन चुका है, इनकी रीच आउट ज्यादा है इसलिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इनके थ्रू करना ज्यादा आसानी है उनके लिए भी, और क्योंकि जब नए काम करना है सवाब के लिए काम करना है और उसकी बेहतरी यूसेज होनी है तो यही तरीका मेरे ख्याल में अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी आप क्या करना चाह रहे हैं। वापस मैं आऊंगा तारिक खान साहब के साथ, APPAC के फाउंडिंग मेंबर हैं और बहुत ही मुतहर्रिक हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो तारिक साहब, अमेरिकन पब्लिक अफेयर कमेटी इन हालात के अंदर जब लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं और ऑफ कोर्स आप एक बड़ी जमात हैं, आपके चार पांच या छह मुख्तलिफ जगहों पे चैप्टर भी खुल रहे हैं, तो आप इस चीज को इन हालात में क्या एक्टिविटी है APPAC की? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। APPAC इज वेरी एक्टिव। APPAC हैज स्टार्टेड अ पार्टनरशिप विद आइलैंड हार्वेस्ट इन लॉन्ग आइलैंड। आइलैंड हार्वेस्ट इज अ ऑर्गेनाइजेशन हु कलेक्ट फूड for the needy, just like Mohd Siddiqui Saab is doing. We have average over 10 million pound of food which we redistribute to over 500 food pantries in Long Island to the various churches. Every Tuesday and Wednesday we have a trailer goes to Eisenhower Park, and where number of different organizations come down there and pick up the food for their need. What we do is we always send those different organizations what is available. So at the present time, right now, we are working on getting a lot of different grocery items. Schools, as they are closed, there are a number of areas where the school children need lunches. So we have a warehouse
in three different places in Uniondale, Harpark, and Riverhead. We have been continuously collecting food from various different sources, mostly canned goods, canned soup, and the APPAC is providing many of those resources. Number of our board members, number of our volunteers, they have donated some stuff and money to buy the product so they can be redistributed to the Island Harvest system, which is, as Mois Sadiqisa mentioned on their end, that Island Harvest has been around for over 27 years. They have a good 200,000 square foot space where we have a bunch of volunteers pack the stuff, whatever it needs. We have also distributed some masks. We have distributed some sanitizer, which is in a great shortage availability-wise. So things like that, what we are doing for the community in Long Island. As you know, there are availability of many of those products, like the paper towels, the toilet tissues, in a short supply. And whether people somehow feel nervous and they have stored, but stuff which is in great demand right now, which is the food item. तो आप तो ये आप न्यूयॉर्क में ये काम कर रहे हैं, तो आपके जो दूसरे चैप्टर्स हैं न्यू जर्सी में है और कहाँ? ह्यूस्टन, डालस, एलए, न्यू जर्सी, डालस, लास वेगास, एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड विद द डिफरेंट लोकल चैरिटीज हु हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू रीडिस्ट्रीब्यूट टू द नीडी एरियाज. सो एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व सम वे in the local community. बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपडेट किया कि APPAC क्या कर रही है. बहुत शुक्रिया मावेस सिद्दीकी साहब आपका कि इतना रिलीफ क्या कर रही है. ऑल्सो बहुत शुक्रिया अदनान बुखारी साहब के आपने ओवरऑल न्यूयॉर्क सिटी के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दी. हम ये शॉर्ट प्रोग्राम पेस्ट टॉक के नाम से करते रहेंगे, नए मेहमानों को लाते रहेंगे और ये अपडेट जो है कम्युनिटी को वक्तन फवक्तन देते रहेंगे. और एट द एंड ऑफ कोर्स अदनान बुखारी, यू हैव वन मिनट, यू वांट टू से एनीथिंग व्हिच विल हेल्प द कम्युनिटी. ठीक है, पर मेरा मैसेज बहसियत जो है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल यही है कि एक तो जो ये रूमर्स है उससे दूर रहे और जो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ ये कि एहतियाती तदाबीर करें, उसमें सबसे पहले अपनी जाती सफाई का ख्याल रखें, जिसमें हाथ धोना, फ्रिक्वेंटली हाथ धोना जो है, अगर साबुन और पानी का सवाल किया जाए वो सबसे बेहतर है. और दूसरा ये कि अगर कोई आपके आसपास जो है करीब में खड़ा हुआ है तो कोशिश करें कि 6 फीट का फासला रखें, ये बहुत जरूरी है. बहुत शुक्रिया. इसके अलावा जो है बाकी आप रोजमर्रा की जिंदगी गुजारे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. मावेस सिद्दीकी साहब. जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो वक्त है हमें साथ रहना चाहिए और मैं चाहता हूँ हमारे दोस्तों से जो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, उसमें प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा आप जो काम करें वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करें. इसलिए कि उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो है वो हमें ये साबित करना है एज ए मुसलमान के हम अमरीकी पड़ोसियों के साथ खड़े हैं. इसीलिए इकना रिलीफ का या किसी भी मुस्लिम या किसी भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है. बजाय हम रेड क्रॉस के साथ काम करें, बजाय दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम अपनी शनाख्त बना के काम करें. बेहतरीन मौका बात डिजास्टर में अल्लाह आपको मौका देता है अपने आप को साबित करने, वो कौमें वो फर्द व तंजीमें आगे बढ़ती हैं जो किसी डिजास्टर के मौके पर बेहतरीन फैसला करती है. तो मेरी जो सुनने वालों से गुजारिश होगी है कि अपने इलाके की मसाजिद के साथ हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करें और इस मौके पर आगे आए, अपनी हिफाजत करें सबसे पहले, लेकिन दूसरे जो अमरीकी पड़ोसी परेशानी में मुब्तला है उनके लिए भी जो है वो तरीके से आगे बढ़े. शुक्रिया. तारिक खान साहब. आई थिंक एवरीवन हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ वॉलंटियर वर्क इन अवर लोकल कम्युनिटी. दे आर हॉस्पिटल, दे आर मेडिकल सेंटर्स, दे आर नर्सिंग होम्स. वी मे नॉट बी ऑलवेज ट्रैवलिंग इन दिस टाइम ऑफ द ईयर,
the situation we have, but we need to continue to, you know, spread the word for a good deed. And, you know, we are also involved in EPPAC interfaith, you know, different synagogue and churches trying to coordinate what their needs are. And, you know, as a Muslim community, we are not just involved because a lot of mosques are closed, like the churches are closed, but coordination among the people is very, very important, as what Sadiq is mentioning. So I think we need to stay in touch with each other and continue to find a way to help out. That is the most important thing. Thank you very much. Bahut shukriya. Bahut shukriya aap logon ko teeno ka. Khawateen o Hazrat, everybody who's watching Pace Talk at TV1 USA. We were live on Facebook. Thank you for being a part of this platform. We will continue to bring you new programs, new talks, new information through our panelists. And I think we will need your feedback. But overall, I think we will work together hands in hand. And the message for the community is, now is the time. Reach out to your friends. Reach out to your people you have not spoken for a while, or even if you have disagreements, that's okay. Just reach out to them and say how they are doing. This is the time for a new beginning. Thank you. See you soon. Thank you, John. Face talk.